दादी। 3 महीने की सालगिरह मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू दादी। भगवान तुम दोनों को जन्म जन्म साथ रखे। जन्मों का रिश्ता तो भगवान ने हमारा पहले ही बना दिया, क्यों है ना बेला? इस जन्म में हमारी दुश्मनी पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म फिर मिलेंगे। दादी, ये इतने सारे लोग आपने बुलाए हैं? नहीं नहीं, ये तो यामिनी ने किया है। यामिनी? क्या बात है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है दादी और पोते के बीच में ना? बेला, दादी सास आई है, उनका भी आशीर्वाद ले ले। ठीक है ठीक है। लवली पार्टी ना? तूने कहा था ना, बेला तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तो मैंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया अपनी माँ की तरह। अब तुम दोनों को कोई अलग ना कर पाए मेरे सिवा। ये अजर अमर आसमानी पड़ियां, जादू इनकी शक्तियां, मिला वरदान बादलों में स्थान, सुख समृद्धि संपत्ति और एक श्राप, जग जिससे अनजान, रहस्य केवल एक, वो निशान जो तत्व देता है जीवन, वो मृत्यु का सौगात। हाँ हाँ परियां, जादूगरनिया, उनके पास धन दौलत सब कुछ है, पर ये निशान, ये कैसा रहस्य है? मतलब सीक्रेट इसी में कुछ है। हाँ, पर पता कैसे करेंगे? पता तुम्हें करके रहूंगी। ये तत्व कैसा है जो जीवन देता भी है और लेता भी है? ये तो मैं भी नहीं समझ पाई। कैसी है ये पहली? पहली बार ऐसी पहली देखी है जो पहली के अंदर पहली, इसमें पहली। पहले इस निशान का पता करते हैं। ये निशानी उस पहली का राज खोलेगा। Hey guys! आज का दिन तो बहुत स्पेशल है। आज रानव और बेला अपनी शादी का फर्स्ट माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए आज वो अपने बेटर हाफ को देगा एक खूबसूरत गाने का गिफ्ट, है ना रानव? जानती हूँ, मेरे बच्चे कोई तो चाल चल रहे हैं। बेला, क्या हुआ? उसने कहा पुष्ट दुश्मन को देखा क्या तुमने? क्या हुआ? देखो घबराओ मत, मैंने जगह पूरी सुन ली है, यहाँ सब इंसान है। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आ गए, लेकिन मेरा प्लान कब पूरा होगा पता नहीं, कब तक बेला को बर्दाश्त करना होगा। यहाँ पर बाताली भी है और रानव भी, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? तुम टेंशन ना लो अभी, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। रूम का सारा सामान बिखरा हुआ, कमरा, कंगन, ए, रुक, मदर इंडिया गोल गोल घूमती रहेंगी, पर अपनी बहू, उप्स, अपनी परी बहू को बचाने वापस तो नहीं आ पाएंगी। बस तुम्हारी माँ बीच में ना आ जाए जब असली तमाशा शुरू हो। देखो, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी माँ को कुछ नहीं करोगी। हाँ, नहीं करूंगी, बस बुढ़ी इमारत को थोड़ा खोखला करूंगी।
ही पल में वो नकाबपोश मेरे हाथ में आकर दूसरे पल में दूसरी दिशा में। आज तो नानी ढूंढती रह जाएंगी उस नकाबपोश को जिसके पीछे राना भी पूरी तरह पागल है। वैसे मॉम का आइडिया भी सही था दादी को पार्टी से भगाने का। ये तो हमें भी पता नहीं था कि मास्कमैन है कौन, पर अच्छा डर है नानी को। अब आएगा मजा। ए रुक 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 रुक, अरे रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। एक बहुत पुराना मंदिर है जो जमीन के नीचे धस गया था। तुझे पता है ना, मंदिर के अंदर और भगवान के सामने राक्षसों की शक्तियां काम नहीं करती। अब नानी गई बर्बादी में, अब बाहर निकलना मुश्किल है। बस कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगी, वो हिल डुल तो नहीं पाएंगी पर सब कुछ देख पाएंगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर क्यों सुन रहे हैं? और कुछ बोला? रानव, दादी अभी यहीं बैठी थी, अब कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। और पताली दादी, वो भी कहीं गई थी, वो भी वापस नहीं आई हैं। मिला? वो रही, ऊपर बैठी हैं। अरे बेला, उनकी उम्र हो गई है तो वो आराम कर रही होंगी, उन्हें रेस्ट करने देते हैं। हाँ अब बस रानव रह गया। ये तो वही निशान। सुनो जी। कौन हो तुम? कहाँ गया वो निशान? क्या देख रही है मैम आप? क्या हुआ बेला? कुछ नहीं। जाइए आप। तुम ठीक हो ना? हाँ, जैसे बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी। बेला, क्या बात है, तुम इतनी डरी क्यों लग रही हो? रानव, वो मैं नहीं, मैं रानव को नहीं बता सकती कि ऐसे निशान वाले लोग परियों के लिए जानलेवा खतरा।
परियों के अस्तित्व का यह रहस्य वचनबद्ध हूँ इसे छुपाने के लिए। और वैसे भी हमारा दुश्मन एक राक्षस है, ये रहस्य जान के वो परियों को मात दे सकता है। रानव, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ खराब होने वाला है। हम दोनों के बीच के ये रहस्य ना किसी दिन हमारी जान ही ले लेंगे। रानव, आज तुम मेरे आसपास ही रहना प्लीज। सुनो, डार्लिंग, हम इस राजनगर के कॉफी शॉप में क्या कर रहे हैं? यहाँ की कॉफी कुछ स्पेशल है क्या? यहाँ दूध के बदले कुछ खून मून तो नहीं डालते हैं? ओके डार्लिंग, तुम अपना एम्बिशियस प्लान पूरा करने के लिए इस फेस रीडर के पास आई हो, ये अपना भविष्य बताएगी। मैं अपना भविष्य बताता हूँ ना, देखो हमारा भविष्य ये होगा, ब्रेकिंग न्यूज, यामिनी और शेखर की लाश मिली है, उनके भांजे रानव ने उनको Try this. ये मेरे कैफे की स्पेशल कॉफी है। Oh, really? मैं पीता हूँ बाद में। ये मीना है, हजारों साल पुरानी राक्षसी। आज तक जितने भी राक्षस जिंदा है इसकी उम्र सबसे ज्यादा है, बालका से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा ताकतवर। तो फिर ये सब एक्चुअली क्या है ना, हजारों सालों से धरती पे रहते रहते मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया करते हैं। तो नया किया, ये जवानी और मेरे आसपास ये जवान खून, बस यही चाहिए मुझे। ये किताब बालका को मिली। हमारे परिवार को परियों से बहुत खतरा है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अश्वर की मौत के पीछे परी का ही हाथ है। क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्या रानव को पता है? अच्छा, अश्वत को एक परी ने मारा है? देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ जानती हो, बाबा की तरह तुम्हें भी बहुत कुछ पता है, मुझे सब कुछ बताओ। बहुत कुछ जानती हूँ मैं, बहुत किस्से मशहूर हैं इन परियों के। परियों को इंद्र का वरदान मिला, परियां इंद्र की इतनी प्रिय थी कि देवों से इंद्र के अनुरोध पे उन्हें महंत साधु संत और स्वर्ग लोक से भी ऊपर इंद्र लोक के बिल्कुल नीचे स्थान मिला। शिव जी की प्रिय नागिनों को मिला धरती और नरक से भी नीचे नाग लोक, और राक्षसों को मिला हर लोक से महरूम जहन्नम, और इंसानों को मिली धरती। इंद्र भगवान परियों से इतने प्रसन्न थे कि भगवान से उन्हें ये भी वरदान मिला, जो जहाँ भी रहेगी सुख समृद्धि धन संपत्ति से भरी रही, वो किसी को भी अपने वश में कर लेती। परियों के पास थी अपार शक्तियाँ, पर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अनदेखी कर दी दुनिया, नहीं की मानवता की रक्षा। बस इससे आगे की कहानी मुझे नहीं पता। और ये जो निशान है ना, ये हर उस मछुआरे के हाथ में ही जो मत्स्य कबीले के मछुआरे नैनी नदी के किनारे मछुआने गांव में रहते हैं। ये मछुआरे और इनके वंशजों में इतनी ताकत है कि परियों की शक्तियां इनके सामने काम नहीं करती। तो फिर परियों को कैसे मारते हैं? इसलिए मैं नहीं जानती।
ये तुम बेला को मौत के मुंह में डालने की कोशिश कर रही हो अपने आप को। राणव अभी भी यहाँ पर ही है। तुम टेंशन ना लो, मैंने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है। आज जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। Guys, now it's time for a very special performance. Here we present the rock star group from Amti Mumbai. Hello. Rana, बचानो मुझे। माँ, माँ आप कहाँ हैं? क्या हुआ है? माँ, इतने सारे नकाबपोश, रानव को ढूंढ रही हो? वो तो नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम सच में ये सब करना चाहती हो? ऑफ कोर्स। तुम परियां हम राक्षसों के सबसे बड़ी दुश्मन। तुम परियों का खून पी के हम महाशक्तिशाली बन जाते हैं। तुमने तो बहुत कोशिश की हमसे छिपाने के लिए, पर देखो हमने पता कर लिया कि तुम एक परी हो। मदर इंडिया और रानव को भी पता था, पर उन दोनों ने भी हमसे छुपाया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो तुम्हारी शक्तियां चाहिए थी ना, पर नहीं, तुम्हारी शक्तियां सिर्फ मेरी है। तुम ये सही नहीं कर रही हो। सानव तुम्हें माफ नहीं करेगा। ना करे, मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैंने तुम्हारी सच्चाई पता कर दी है। बड़ी मुश्किल से पता चला है उस किताब में जो लिखा था उसका मतलब। सरपंच जी, जी मैंने देखा कि आपके और आपके वंश के सारे वंशजों के हाथ पे निशान है, और ये निशान सिर्फ आपके मत्स्य काबिले वालों के हाथ पे ही है। हाँ, भगवान विष्णु का हमें वरदान मिला है उन परियों की शक्ति को रोकने के लिए,
जो मार्ग से भटक गई हैं और अपने लक्ष्य से भटक गई हैं। सरपंच, एक ऐसे ही भटकी हुई श्रापित परी वापस इस धरती पे आ गई है। अब आपको वो कर्तव्य निभाना है जो आपके पूर्वज निभाते आए हैं। आपको उस परी को रोकना है। वैसे ही परी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो अब आपको अपनी दुश्मन को रोकना है। लेकिन सरपंच जी, आपके पूर्वज को विष्णु का ये वरदान, ऐसी शक्ति कैसे मिली? मुझे तो लगा था हम राक्षसी सबसे बुरे हैं, पर तुम परियां भी कुछ कम बुरी नहीं हो। वाह, क्या रॉकिंग स्टोरी! जरा रिवाइंड करें। तब देवताओं ने देखा नागलोक के सारे नाग नागिन धरती पे आ गए। इच्छाधारी नाग नागिन इंसानी रूप लेके लोगों की सेवा कर रहे थे। कुछ परियां राजपरी के साथ परी समुदाय में गई और कहा, सारी देवों, इंद्र और हम परियों को मिलके मानवता की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो विनाश होगा। मछुआरों की एक बस्ती बाढ़ में डूब रही है, अगर हमने उन्हें नहीं बचाया तो उनकी मौत हो जाएगी। पर परी समुदाय ने राजपरी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, इंद्र और बाकी देवों ने कभी नहीं चाहा कि हम ऐसे कार्यों में शामिल हो। धरती और धरतीवासियों के कार्य उनके अपने हैं, वो स्वयं करें। हम धरती पे जाके उनकी मदद नहीं कर सकते, तो परियां मदद करने नहीं गई। शिवजी ने नाग नागिनों को अपार शक्तियां दी, फिर भी वो धरती के नीचे नागलोक में रहते हैं। पर जब विपदा आई तो मानव जाति की मदद के लिए धरती पर वो भी आए। तुम परियों ने क्या किया? केवल भोग विलास का जीवन जिया। मैंने इंद्र के अनुरोध पे तुम परियों को सुख समृद्धि का जो वरदान दिया, तुम परियों ने लोक कल्याण और जग कल्याण के लिए उसका उचित प्रयोग नहीं किया। वरदान व्यर्थ गया। धरती पर वो बाढ़ आई जो इंद्र की वर्षा ऋतु लाई, किंतु तुम परियों और अप्सराओं ने राजा इंद्र को इतना मोहित कर दिया कि इंद्र वर्षा को रोक ही नहीं पाए। जिन लोगों की तुम परियों ने मदद नहीं की, वो मछुआरे थे, उनकी मृत्यु हो गई। बाढ़ में मछुआरों की पूरी बस्ती बह गई। मैं श्राप देता हूं तुम परियों को। जिस धरती के लोगों को बचाने तुम परियां धरती पर नहीं गई, उस धरती पे अब कभी मत जाना। यदि तुम धरती पर गई तो धरती पर तुम परियों की मौत निश्चित होगी। तुम्हें सिर्फ वो रोक सकते हैं, ये साधारण इंसान, ये मछुआरे। ये मेरी बात सुनिए। कोई बात नहीं है, प्लीज रुक जाइए। मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मासूम लोगों के साथ कुछ नहीं करती, कुछ गलत नहीं करती। ये यामिनी आप लोगों को भड़काया है, और कोई बात नहीं है, प्लीज रुक जाइए। शेखर, इन मछुआरों के साधारण सा जाल, इनके सामने परी की शक्तियां भी फेल। वाह जी गौहर डूबा। ये मछुआरे उसी वंशज के वंश है जिनकी तुम परियों ने मदद नहीं की थी। आज इनका ये मामूली सा जाल तुम्हारी शक्तियां निचोड़ लेगा। माँ,
गुफा नहीं है, ये मंदिर है। तू फंस जाएगा। नहीं राणा, नहीं आना। क्या करूं? माँ, इसे पकड़ो और ऊपर आओ। माँ पकड़ो इसे। अरे और नीचे। हाँ ठीक है। माँ आप यहाँ कैसे? हाँ उस नखापोश का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गई। माँ ये किसी की चाल है। हाँ। किसी का जाल था। तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वो वही नखापोश है तो वो मुझ पर वार करता ना। हाँ माँ, वो नखापोश मेरे और बेला के पीछे है। हाँ। आपके नहीं। क्या तो कोई मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आएगा? बेला, क्या हुआ? उसने कहा पोष दुश्मन को दिखा क्या तुमने? बेला उस पार्टी में कोई था जिसे देख के बेला घबरा गई थी, डर गई थी। इसका मतलब है कि कोई है जो चाहता था मैं और आप उस पार्टी से दूर चले जाएं ताकि बेला अकेले बढ़ जाए। दादी, दादी, प्लीज दादी के साथ कुछ मत करना। वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तुम मेरे आसपास ही रहना। बेला, बेला, आ, आ। ले जाओ इसे। रुको, इधर सुने, उधर से। रानव, रानव। यामिनी! यामिनी बेला को छोड़ दो।
छोड़ दे उसे, तेरी दुश्मनी मुझसे है, आप मुझसे लड़, जो करना है मेरे साथ में कर, पर बेला को छोड़ दे यामिनी। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ूंगी रानव। तुमने कोई मौका छोड़ा था मुझे बेइज्जत करने का? नहीं छोड़ा था ना, तो आज मैं कैसे छोड़ दूं? तुम्हें परी की शक्तियां चाहिए थी ना? नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज ये परी मेरी है। इसकी सारी शक्तियां मेरी हैं। आज मेरा दिन है, यामिनी का दिन है। ले जाओ इसे। राना, राना। दादी, आपको पता मेला कहाँ है? अरे देखिए, आप आपकी आंखों में आंसू, इसका मतलब है कि आपको पता है, आपने सब कुछ देखा है, यहाँ पे क्या हुआ है, बेला के साथ में क्या हुआ है। लेकिन दादी, आप कुछ बोल के नहीं पा रही हैं। दादी, मतलब यामिनी ने इनके साथ में भी कुछ किया है, कुछ गलत, पर क्या किया है? क्या किया यामिनी ने? पर वो बेला को लेकर कहाँ गई है? दादी, दादी, आपका आज दिल रो रहा है ना, यामिनी की हैवानियत देखकर आपका दिल रो रहा है ना दादी, कि उसने बेला के साथ में क्या किया है? जो कुछ भी आपने देखा, उसका दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना दादी? नहीं दादी, नहीं। आप सब भूल जाएंगे और जो कुछ भी आपने देखा सब भूल जाएंगे और अब आप सो जाएंगे। नदी, आप आराम कीजिए दादी। Bella! Bella!
रहो। छोड़ना मत इसे। मेरे पास मत आना। परी अपने पंख के बिना कहाँ उड़ के जाएगी। डाली मुझे लग रहा है कि ये भाग रही है। भाग नहीं रही है, इसे कहते हैं मौत के दरिया में झपाक। जो जल लोगों को जीवन देता है उस जल में तुम परियों की मृत्यु होगी। इन परियों को विष्णु जी का श्राप है, धरती पे ये परियां पानी में डूब के मर सकती हैं। Shot, baby. मेरा दिल क्यों घबरा रहा है इतना? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे बेला? आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम्हारी? सांसें मेरी बस